वीडियो शुरू करने से पहले यार बता दूं कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब ऑलरेडी करके रखा है या फिर अभी करने वाला हो तो मेक श्योर यार सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन होते हैं ना ऑल पे कर लेना, क्योंकि पर्सनलाइज पे रखोगे तो नोटिफिकेशन देगा नहीं। अभी यूट्यूब का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है तो मेक श्योर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर रखना। हाय दोस्तों, मेरा नाम देव और आप सभी का माइनक्राफ्ट की एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलो। तो बिना टाइम पास के वीडियो स्टार्ट कर लें। तो आज अपन बहुत ही अच्छी चीज़ें करने वाले हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, क्योंकि उन्हें भी बोलना कि इतनी अच्छी सीरीज चल रही है तो आप भी देखो। तो कोई बात नहीं, बिना टाइम पास की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और आज अपन करने वाले हैं और पिकेक्स बनाने वाले हैं और एक आर्मर बनाने वाले हैं। तो बहुत ही ख़तरनाक वाला आर्मर और ख़तरनाक वाली पिकेक्स बनाने वाले हैं। और जो मेरे चैनल पर न्यू है उसे नहीं पता तो उन्हें बता देता हूँ कि अपन खेल रहे हैं आज क्रेजी क्राफ्ट, और ये शायद सातवां पार्ट है, शायद छठा या सातवां पार्ट है, ऐसे ही है। तो आप देख लेना, ऊपर लिखा होगा थंबनेल में। तो कोई बात नहीं, बिना टाइम पास किए कर ले। तो देख सकते हो पिछली वीडियो में अपन ने ये बनाया था, मतलब ऑफलाइन बनाया था मैंने ये सारी चीज़ें। तो बहुत ही मतलब बड़ा कर दिया है मैंने फार्म को, और पीछे की साइड भी फार्म है और नीचे की साइड भी बना दी है। और ये डायमंड की चेस्ट वैसे मैंने बना ली, तो ब्लॉक बहुत सारे हो चुके हैं, मैं टाइटेनियम के सबसे ज़्यादा हो चुके हैं। तो आज एक अपन क्या बनाने वाले हैं, एक शॉर्ट बनाने वाले हैं। उसकी एबिलिटी है 40% है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये है, इसका नाम है द इन्फिनिटी, और ये बहुत ख़तरनाक और ये टाइटेनियम की बनती है। और टाइटेनियम के अपने पास अनलिमिटेड ब्लॉक है, तो अपने पास टाइटेनियम की बिल्कुल भी कमी नहीं है। और एक यूरेनियम की चाहिए थे और टाइटेनियम चाहिए थे और तो कुछ नहीं चाहिए था। तो कोई बात नहीं, हम जल्दी से इन यूरेनियम के ब्लॉक भी निकाल लेता हूँ थोड़े बहुत। और अपने पास रिसोर्सेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बिल्कुल भी कमी नहीं है। क्योंकि अपने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि अपन ने टाइम मतलब फास्ट फॉरवर्ड करने वाली मशीन बनाई थी, तो जिसने नहीं देखी वो जल्दी से जाके पुरानी वाली वीडियो देख लो भाई, बहुत ही खतरनाक वीडियो बनाई थी पिछली वाली। और नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत ही मतलब नेदर में जाने वाले हैं, नेदर को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे ना यार। तो कोई बात नहीं, अब जल्दी से ये पिकेक्स बना लेता हूँ। तो इसको क्या रखना है, पिकेक्स नहीं, मैं सारी चीज़ें बनाऊँगा इसकी, द अनलिमिटेड ऐसे कुछ है। तो पिकेक्स मतलब स्वॉर्ड के लिए पहले ऊपर टाइटेनियम, नीचे की तरफ ये रखो और एक आयरन रखो। तो इसकी अटैक डैमेज सबसे खतरनाक है, एक हिट में मरेगी। और इसमें अपन को इंचेंटमेंट भी मिलेंगी, बहुत सारी इंचेंटमेंट मिल जाएंगी बहुत खतरनाक वाली। तो अब एक पिकेक्स भी बना लेता हूँ जल्दी से। तो द थोड़ी मीनिंग की गलती हो गई, जल्दी से दोबारा काट के करता हूँ एक बार। द THE अनलिमिटेड एन लिख देंगे तो ही आ जाएगा वैसे तो। और यहाँ पे पिकेक्स ढूंढ लेता हूँ, देखो मैं नहीं आई यार, ये रही देख लो। सारी चीज़ें बना लेते हैं, अब जल्दी से एक पिकेक्स बना लेता हूँ। और आर्मर इसका नहीं बनाने वाला मैं, आर्मर बनाऊँगा रेड मैटर का, क्योंकि सबसे ख़तरनाक वाला रेड मैटर ही, और वो अनब्रेकेबल है, मतलब वो टूटेगा नहीं। पहले मुझे डार्क मैटर का बनाना पड़ेगा, फिर जाके रेड मैटर बनेगा। तो इस वीडियो में अपन पहले डार्क मैटर का बना लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन रेड मैटर का उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो जल्दी से एक बो भी बना लेते हैं, बो भी बहुत ख़तरनाक है। इसमें मतलब इन्फिनिटी, ये पावर 2, ये सारी चीज़ें इसमें डल के आएंगी पहले से ही, तो अपन को अलग से इनमें कोई भी बुक नहीं डालनी पड़ेगी। तो ये अपना इसका प्लस पॉइंट है। और ये बो भी बहुत ख़तरनाक है, इससे देख सकते हो इसमें पावर 4 मिली है, इन्फिनिटी मिली है, बहुत ही ख़तरनाक है। तो एक सवल भी बना लेते हैं, सवल भी बना लेते हैं, अरे ये नहीं बनानी, सवल बनानी थी। तो इस सवल भी बन के तैयार है। अब एक होई भी बना लेते हैं और एक एक्स बना लेते हैं। तो एक्स के लिए क्या करना पड़ता है, इसको ऐसे रखो और एक आयरन आयरन भी रखो यहाँ पे, एक आयरन एक नीचे, ये एक्स बन गई है। तो एक होई भी बना लेते हैं। तो ये होई है, अनब्रेकेबल तो नहीं है बट तो ये बहुत ख़तरनाक वाली है। और इनमें लूटिंग डली हुई है, सभी में लूटिंग डली हुई है कि आपको लूट अच्छी मिलेगी, तो इनमें लूटिंग डली हुई है, कोई बात नहीं। और एक खुशखबरी बता देता हूँ, मैं वैम्पायर में बदल चुका हूँ। खुशखबरी तो नहीं, बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि अब मुझे खून की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी कन्वर्ट हो रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, मतलब एक दो दिन लग जाता है कन्वर्ट होने में। तो कोई बात नहीं, मैं वैम्पायर बन चुका हूँ। और ये आर्मर बना लेते हैं डार्क मैटर का, ये थोड़े बहुत मैंने बना के रखे हुए थे। तो सबसे पहले मुझे रेड मैटर का बनाने से पहले डार्क मैटर का आर्मर बनाना पड़ेगा। तो यार ये नेगेटिव चीज़ है यार, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। डार्क मैटर ही बहुत कम बनता है, रेड मैटर बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो यार रेड मैटर में डार्क मैटर मत जोड़ते तो ही अच्छा था, यार रेड मैटर बहुत ज़्यादा पड़ा है मेरे पास, डार्क मैटर कम है। तो यार अब तो डार्क मैटर निकाल के लाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये बॉल बनानी पड़ती है इसकी, यार ये बहुत कम है मेरे पास। तो कोई बात नहीं, नीचे मेरे पास बहुत सारे हैं, मैंने बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं वैसे तो। तो नीचे चलते हैं और जल्दी से निकाल के लाते हैं। तो ये बढ़ रहे हैं वैसे तो, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।
और यार वो अपने वो मशीन बनाई थी पिछली वीडियो, वो बहुत खतरनाक है। देख सकते हो मैंने टॉर्च लगाई थी एक, और उसने मेरे को 15-20 टॉर्च बना के दे दी। और मैंने गलती से एक फूल उग गया था ट्री के पास, तो उसने पूरी तरह फूल ही, देखो ये फूल उगा दी इसने। लिटरली बहुत खतरनाक चीज़ है, अगर फ्यूचर में आप देखना आगे जो भी पार्ट आएंगे उसमें बहुत खतरनाक चीज़ें होने वाली है। और अब मैं ना हो सका तो मैं रेगुलर यही वीडियो लाने वाला हूँ हो सका तो, और मैं एक दो दिन में घर वापस जा रहा हूँ तो रेगुलर क्रेजी क्राफ्ट ही खेलने वाला हूँ, क्योंकि इस सीरीज़ को आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ और पूरी मतलब डेली की डेली यही खेलने वाला हूँ। तो कोई बात नहीं, आप सपोर्ट दिखाओ, अपने दोस्तों में शेयर करो, प्लीज़ एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जितने भी बंदे देखो, कोई कितने भी देखो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, चाहे मेरी वीडियो पे व्यू ना आए, बट आप जितने भी देखो प्लीज़ एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। तो कोई बात नहीं, तो अब जल्दी से इनको निकाल लिए, जितने चाहिए थे अभी इनको बढ़ाने पड़ेंगे यार, जल्दी जल्दी बढ़ जाएँ तो अच्छी बात है। तो कोई बात नहीं, और ये टॉर्च अपने मॉब से बचाती है, ये बहुत अच्छी टॉर्च है, और इसका अटैक डैमेज बहुत ज़्यादा खतरनाक है इस सोर्ड का। इसका टेस्ट भी करेंगे, लास्ट में टेस्ट करेंगे, तो कोई बात नहीं। और ये पेड़ काम ना करें तो इनकी चारों तरफ टॉर्च लगा देना, तो ये पेड़ बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। अदरवाइज़ ये बहुत बार होता है कि ये रोशनी में चलते हैं, मतलब रोशनी हो तो ही ये डबल करता है, अदरवाइज़ ये डबल नहीं करता है आइटम को। और मैंने यहाँ पे एक चेस्ट भी लगा रखी, क्योंकि चेस्ट को भी डबल करके देता है। मैंने एक चेस्ट लगाई थी, मुझे 5 चेस्ट मिल गई, तो कोई बात नहीं, आप डायमंड की लगाओगे तो आपको 5 डायमंड की चेस्ट मिल जाएंगी, तो कोई बात नहीं, डबल सब कुछ करो। और मैं एप्पल की तो फार्मिंग कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। वैसे एप्पल की फार्मिंग करके क्या करूँगा यार, मैं तो अभी वैम्पायर में बदलने वाला हूँ। कोई बात नहीं यार, यार ये पेड़ में आग लग गई यार, इसको बुझा जल्दी भाई यार। ओ अरे यार, ये पेड़ ना जल जाए यार, इतनी मुश्किल से लेके आया था मैं इन पेड़ों को, बहुत मुश्किल से, ऐसे थोड़ा यार जलने दूंगा तुझे यार। ये गलती से लग गई, इसमें फायर की भी लगी हुई है, और एक जगह और लग रही है। ओ भाई साहब, बुझाओ इसको। कोई बात नहीं, बुझा दिए मैंने, तो कोई बात नहीं, वो ऊपर चलते हैं जल्दी से, ये ब्लॉक निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे, देखो कितनी स्पीड से निकल रहे हैं, क्योंकि मैंने वो मशीन लगा रखी है वो, तो जल्दी जल्दी ब्लॉक बन रहे हैं। और एप्पल तो अनलिमिटेड है अपने पास, अपन फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आपको एप्पल चाहिए तो मेरे पास आ सकते हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एप्पल है, गोल्डन एप्पल है, बहुत एप्पल तो अनलिमिटेड है। और जिसको भी शाउट आउट चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, अपना नाम नीचे कमेंट कर देना, आपको शाउट आउट मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो कोई बात नहीं, अब जल्दी से इसको निकाल लेते हैं, चलते हैं ऊपर। तो अब जल्दी से डार्क मैटर की पैंट और ये बना लेता हूँ जल्दी से। रेड वेटर तो वैसे मैंने बहुत मुश्किल से बना के रख दिया था, बट अब बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और रेड मैटर को निकालना तो बहुत आसान है वैसे, वो डुप्लीकेट मैंने निकाल लिए हैं, जितने हो सके मैंने बना लिए, बट अब बहुत मुश्किल हो रहा है। वो डबल बहुत टाइम ले रहे हैं, रेड मैटर और डार्क मैटर बहुत टाइम ले रहे हैं वो बनने में, डबल होने में। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मतलब आगे पार्ट में अपन एक ऐसी मशीन बनाने वाले हैं जिससे अपन मतलब EMC पावर होती है इनमें सभी में, तो उनसे अपन बहुत ज़्यादा मतलब एक ब्लॉक से अपन अनलिमिटेड ब्लॉक निकाल सकते हैं। तो ऐसी मशीन बनाने वाले हैं फ्यूचर में मतलब एक दो वीडियो बाद में। नेक्स्ट वीडियो तो अपन नेदर में जाने वाले हैं, और उसकी अगली वीडियो मतलब मस्त वीडियो होने वाली है, घर पे जाके बनेगी जो। तो कोई बात नहीं, हम जल्दी से एक पैंट बना लेते हैं, और एक बनानी थी अपन को, क्या बनानी थी मतलब चेस्ट बनानी थी, जल्दी से एक चेस्ट बना लेते हैं। चेस्ट के लिए अभी ये बना लेता हूँ जल्दी से, डार्क मैटर वाले ये बन गए हैं, तो अब जल्दी से इनको रख दो, ऐसे ऐसे रख दो। तो कोई बात नहीं, ये बन चुके हैं, एक और कम पड़ गए यार, इसको ऐसे रखो और इसको ऐसे रख दो यार। डार्क मैटर अभी बढ़ नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें डबल करने के लिए लगा रखे हैं, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझको ये डबल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो चेस्ट भी बन के तैयार हो, तो इनकी चेस्ट बहुत खतरनाक है, और ये अनब्रेकेबल है, इनमें ब्रेक नहीं होगा, मतलब इनमें कोई भी डैमेज नहीं मिलेगा आपको। तो कोई बात नहीं, इनकी भी टेस्ट करेंगे। तो एकदम डार्क हो चुका है भाई वैसे तो यार, इसमें ट्विच में ना या क्या है टी लॉन्चर में बहुत ज़्यादा ग्लिच है, और ये थोड़ा डार्क भी है। ट्विच वाला अच्छा है, बट ट्विच वाले में चल नहीं रहा मेरे पीसी में। तो कोई बात नहीं, अब जल्दी से पेट बना लेते हैं अपन थोड़े, क्योंकि पेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी अपन एक काउ पेट बनाने वाले हैं, तो काउ पेट के लिए अपन को ऑब्सीडियन है मेरे पास नहीं, पहले कोल के नगेट बना लेते हैं। कोल के नगेट बनाना आसान है, आप चेस्ट में रखोगे तो आपको कोल के नगेट मिल जाएंगे, कोल रखोगे तो कोल रखना है। अब आयरन के नगेट तो नहीं है मेरे पास, तो आयरन कहाँ पर है, आयरन के नगेट निकाल लेते हैं। आयरन भी बहुत कमी हो रही है, आयरन को भी डबल करने के लिए लगाना पड़ेगा।
तो वो काऊ पेट क्या है ये अपन को मतलब पॉइजन जो भी पॉइजन देगा मतलब इफेक्ट देगा उनसे बचाएगा ये, तो अच्छी बात है। वैसे इफेक्ट बहुत सारे मॉब्स देते हैं तो इसलिए ये अपन को इफेक्ट से बचाएगा। तो ये काऊ पेट बन के तैयार है और इसका वीट खाएगा ये। तो वैसे मैंने फार्मिंग कर रखी है नीचे तो कोई बात नहीं, अब एक स्पीड का भी बना लेता हूँ। और ये अपन को क्या देगा, ये वूल देगा, ये नहीं बनाने वाला, वूल की अपन को कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो। तो ये स्पीड देगा एक चिकन, चिकन के लिए ये वेदर फैदर चाहिए होगा, फैदर मिल जाएगा नॉर्मल, आप चिकन को मारोगे तो ये पंखुड़ियाँ मिल जाएंगी। तो ऊपर की तरफ वीट रखना है डायमंड और नीचे आया गोल्ड, तो ये अपन को नॉर्मल सी स्पीड देगा और ये खाएगा सीड, खाएगा सीड। तो कोई बात नहीं, अब ये काऊ कैसे बनेगी, ये काऊ बनानी आसान है बट अभी मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेस हैं नहीं कि मैं बना लूँ। तो ये फायर पोर्शन वाला बना लेता हूँ फायर में बचने के लिए। तो फायर पोर्शन का सारा सामान वैसे है, वैसे रेड स्टोन का निकाल लेता हूँ। और तो क्या चाहिए था, और तो बस और कुछ नहीं चाहिए, अब रख दो इनको सारे सामानों को ऐसे। गोल्ड रख देते हैं यहाँ पे और ऊपर वाले में डायमंड नगेट, हाँ नगेट ऊपर वाले में नगेट, बीच में डायमंड और नीचे वाले में रखना है गोल्ड। तो ये रेड स्टोन रख देते हैं और ये बन गया अपना फायर वाला पैट, ये अपन को फायर से बचाएगा। तो कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ें बन गई हैं बहुत सारी। तो अभी इतने रिसोर्सेज हैं तो ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है तो इसलिए ज़्यादा पैट नहीं बना सकते। तो कोई नहीं, जितने भी चीज़ बनाई है बहुत अच्छी बनाई है। और पैट तो यार एक ये रीजनरेशन वाला पैट भी बना सकता हूँ वैसे तो, इसमें एम्ब्रॉयड रखना है, डायमंड रखना है और ये ऊपर रख दिया है नगेट। तो ये रीजनरेशन देगा, ये कोई क्या खाता है, ये खाता है आयरन नगेट खाता है, तो अपन को रीजनरेट करता है मतलब अपने हार्ट बढ़ाता है ये। तो और पैट तो मैं नहीं बना सकता यार, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें चाहिए इनमें जो मेरे पास अभी है नहीं, तो और तो नहीं बना सकता, इतने बहुत हैं। वैसे मुझे एक पैट और चाहिए था, ये कैट वाला, ये अपन को क्या चीज़ देगा, ये फूड बार बहुत सारी चीज़ें देगा ये, बट अभी नहीं बना सकता ये क्योंकि मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं हैं जो अभी काम की चीज़ें हैं, बट मुझे नाइट विजन के लिए भी एक बनाना था। तो कोई बात नहीं, अब बाद में देखते हैं। तो ये स्पीड का पैट है, तो इसका चेस्ट ये नीचे मैंने फार्मिंग की थी थोड़ी बहुत थी, तो यहाँ से वीट निकाल लेते हैं क्योंकि वीट काम आने वाली है अभी। तो ये स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड देता है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कितनी स्पीड बढ़ गई फाइनली। आप एक बात बताओ यार, आप मेरी वीडियो लाइक क्यों नहीं करते यार, मैंने क्या कमी की है वीडियो में यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रेगुलर वीडियो ला रहा हूँ, लोग तो रेगुलर वीडियो भी नहीं लाते, मैं रेगुलर वीडियो ला रहा हूँ, अच्छे अच्छे कॉन्टेंट दे रहा हूँ आपको, अच्छी अच्छी वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए, अच्छे गेम की ला रहा हूँ मोड पे माइनक्राफ्ट पे, और जो आपको चूतिया बनाते हैं पागल बनाते हैं उन लोगों के आप लाइक करते हो, उन पर कॉमेंट करते हो, उनके व्यू भी अच्छे आते हैं, वो अच्छे भी नहीं बनाते फिर भी उनके अच्छे आते हैं, और मैं आपके लिए अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ फिर भी आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, अपने दोस्तों में भी नहीं देते, तो यार ये तो गलत बात है यार। कोई बात नहीं, देखेंगे फ्यूचर में हमारा भी टाइम आएगा, बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा, वैसे अपना भी टाइम आएगा कभी ना कभी तो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। तो कोई बात नहीं, जल्दी से इनको देखो, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इस मतलब ये क्या है, ये सोर्ड की मतलब पावर बहुत खतरनाक, और ऊपर देख सकते हो कॉर्नर में ये वैम्पायर वाला ऑप्शन आ चुका है क्योंकि मुझे वैम्पायर ने काट लिया है। तो अब मुझे टाइम लगेगा बट मैं कन्वर्ट हो जाऊँगा, बट मैं नहीं होना चाहता था क्योंकि यार मुझे खून पीना पड़ेगा बार बार में, मतलब डेली के मतलब ज़्यादा खून की ज़रूरत पड़ेगी, और 16 मिनट में मैं मतलब वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाऊँगा। तो यार देख सकते हो 16 मिनट में टाइम चल रही है ऊपर, तो यार मैं नहीं बनना चाहता था बट गलती से वैम्पायर ने मुझे काट लिया और मैं वैम्पायर में बदलने वाला हूँ, और मैं आर्मर की पावर बहुत ज़्यादा है, ये अनब्रेकेबल है और मेरे को बिल्कुल भी डैमेज नहीं मिल रहा, आप देख सकते हो कोई भी डैमेज करेगा तो मेरे को बिल्कुल मिलने ही नहीं वाला, और इस स्वॉर्ड इतनी खतरनाक है तो इससे एक हिट से इसको दूर भी भगा देता है, और मतलब एक हिट में ही मर जाता है बंदा। तो कोई बात नहीं, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है तो अब वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और बताना जरूर कि और कौन सा आपको मोड चाहिए। तो कोई बात नहीं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय टाटा सी यू, और जो भी थंबनेल ये बनाना चाहे वो नीचे कमेंट कर सकता है, मैं आपको बना के दे सकता हूँ, पेड है सब कुछ। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय टाटा सी यू, बाय बाय। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।